हफ्ते होगा स्वाद के साथ पति पत्नी का विश्वास। करवा चौथ के त्योहार में होगी स्वाद की बहार। और कुकिंग के साथ मस्ती डाउनलोड करने आएंगे संजीव कपूर के किचन में मिकी वायरस। कुकिंग के मैराथन में खिलाड़ी करेंगे फुल ऑन धमाल। नई नई रेसिपीज, नए नए स्वाद का कमाल। खाना पकाना, नाचना गाना, हंसी के मसाले, कुकिंग का जोश, सब कुछ होगा इस हफ्ते संजीव कपूर के किचन खिलाड़ी में। करवा चौथ एक ऐसा व्रत जिस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की खातिर दिन भर का व्रत रखती है, यहां तक कि पानी भी नहीं पीती। दिन भर भूखे रहने के बाद शाम को चांद और पति के दीदार के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं। समय के साथ साथ करवा चौथ मनाने का तरीका भी बदला है। अब तो सरगी भी डिजाइनर हो चुकी है। ड्राई फ्रूट्स और एग्जॉटिक फ्रूट्स को डिजाइनर बास्केट में सजा के सास अपनी बहू को सरगी देने के लिए आती है। शाम को किसी थीम बेस्ड पार्टी में व्रत तोड़ा जाता है और उसके बाद होता है एक लैविश डिनर विद म्यूजिक एंड डांस। आजकल कुछ पति अपनी पत्नी का साथ देने के लिए उस दिन भूखे रहते हैं, मगर असली बदलाव तो तब माना जाएगा जब पत्नी की लंबी उम्र के लिए पति व्रत रखे। मगर संजीव कपूर के किचन खिलाड़ी में आपको हर बदलते हुए स्वाद का जायका मिलेगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिस किचन खिलाड़ी को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो है इंदौर की रहने वाली सारा गुजरेजा। दिस इज सारा गुरेजा फ्रॉम इंदौर। मैंने 17 साल की उम्र में खाना बनाना सीखा अपनी दादी और अपनी मॉम से। हर किसी की एक तमन्ना होती है कि उसका जो लाइफ पार्टनर हो वो उसकी पसंद का हो, और मैंने अपना लाइफ पार्टनर खुद अपनी पसंद से चुना। वो एक ऐसी जोड़ी है जो कि स्वर्ग में बनी है, शायद एक दूसरे के लिए ही बनी है। सारा सबको मस्त मस्त खाना बना के देती है। हमारी सारी भाभियाँ दीदी सब सारा से टिप्स लेते हैं। सारा बच्चों से बहुत प्यार करती है और जब भी हमारे घर बच्चे आते हैं तो सबको कुछ ना कुछ नया बना के खिलाती है। करवा चौथ का दिन है, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो इतनी तपस्या करने के बाद जो मैं चीज बनाऊंगी उसमें तो पत्नी की जीत तो पक्की है। सो शेफ बी अवेयर। आपको देख कैसे लग रहा है, नई नई शादी हुई है आपकी? यस, नई नई शादी हुई है। कितना टाइम हो गया? सवा साल हो चुका है शादी। सवा साल हो चुका है तो आपका पहला करवा चौथ? या क्या बात है। करवा चौथ के दिन जो है वो पत्नी पूरा दिन व्रत रखती है, मतलब सैक्रिफाइस है एक तरह से। पति को भी कुछ करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। मैं उनके लिए गिफ्ट लाई हूँ आज के ओकेजन पे, आज अच्छा ओकेजन है इसलिए। क्या बात है। क्या बात है। साथ में इस तरह से बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। पहला करवा चौथ आपका। नॉर्मली सासू माँ हैं वो सरगी लेके आती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि सासू माँ नहीं हैं, लेकिन आप कोई दुख ना मनाएं क्योंकि हम आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं। ओहो, सेकंड सरप्राइज। सरप्राइज पेश करें। सीमा जी, इनकी ननन, इनके लिए खास तौर से इस शो पे सरगी लेके आई। थैंक यू सो मच भाई। हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत 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 अच्छा। अब तो वक्त है मैदाने जंग में उतरने का। बिल्कुल। सारा, यहाँ पे आने का मकसद? शेफ के साथ हाथ का जायका चखाना है उनको। अब तो ऐसे करेंगे जैसे मतलब नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है ना फ्रेडी? ऐसा नहीं, बड़े प्यार से तो अच्छे से। पति को तो ऐसा जायका नहीं चखाती? उनसे पूछ लीजिए। डरा डरा के खिलाती है मुझे। डरा डरा के खाओ। एग्जैक्टली। आपको मुकाबला करना होगा हमारे एक ऐसे सुपर शेफ से, उन्हें मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी में महारत है। प्रेजेंटिंग द शेफ विद एन एज, शेफ विकास सेठ। शेफ विकास, ये है सारा गुजरेजा, और करवा चौथ के शुभ अवसर पर ये आपके लिए एक चुनौती लेके आए हैं। ओके। वैसे करवा चौथ का व्रत तो आपके लिए भी होता है, तो मतलब आपकी बीवी जो है वो रखती है आपके या नहीं?
बिल्कुल शेफ, लास्ट टाइम एक्चुअली अपने रेस्टोरेंट में एक नई डिश की तैयारी चल रही थी. ओके. वो तैयारी करते करते थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया. हाँ. घर पे मैं पहुंच गया 15 मिनट लेट. चांद 15 मिनट पहले पहुंच गया. अच्छा जी. उसके बाद जो मेरी शामत आई, इसलिए जिस दिन भी करवा चौथ होता है ना, उस दिन मैं बड़ा फास्ट काम करता हूँ. आज इसका मतलब है काम फटाफट करेंगे. आज बिल्कुल फास्ट. डॉली, आज मैं जल्दी घर पे आऊंगा चांद निकलने से पहले, ये मेरा वादा है. चलिए, एक तरफ तालीम है तो दूसरी तरफ तजुर्बा. जो जीतेगा उसे मिलेगा स्वाद के सरताज का खिताब, उसके साथ साथ एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर और एक मिस्ट्री किचन अप्लायंस. और यदि आज सारा जीतती हैं तो उनको मौका मिलेगा अपनी रेसिपी शेयर करने का पूरी दुनिया के साथ एज ए प्रोफेशनल शेफ. और उसके साथ साथ आपको मौका है जीतने का ये शेफ का बैच. यस, आई विल. ठीक है, तो देख लेते हैं फिर अभी. बिल्कुल, चलिए देखते हैं. पहला बड़ा चम्मच भर जायका पेश किया जाए. कुलचा, सिमसिम, कौन मैश बनाया आपने? इंदौर से लेके आए, उसके ऊपर ये मस्टर्ड सीड और कोकोनट का अच्छा फ्लेवर और करी पत्ता भी, ये क्या है जी? यमी है, यम है ये तो. यमी यम. ये कौन सा यम है? ये यम टिक्का है. यम टिक्का, गराडू टिक्का है ये? गराडू टिक्का है. अरे बाप रे शेफ, ये तो सिर्फ नाम सुना था एक टाइम के. इंदौर में गली है सराफा बाजार. सराफा जो है, शाम हुई नहीं कि बस लोग खाने के लिए पहुंच जाते हैं, दुकानें बंद, और पहुंच गए अपनी चाट वगैरह खाने के लिए. तो आज की दोनों डिशेज हैं भुट्टे की कीस और गराडू के टिक्के. ये दोनों डिशेज बनाने के लिए कितना समय लगेगा आपको? 1 घंटा. तो समय हम आप दोनों को देंगे 45 मिनट का. मेरे गांव के बजाते ही समय की चक्की शुरू हो जाएगी. दोनों को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट. आप लोगों का समय शुरू होता है अब. जैसे ही संजीव कपूर ने गोंग बजाई, मैं फटाफट भागी. तब मेरे मन में इतने कंफ्यूजन्स थे कि क्या होने वाला है. एक तरफ मैं, एक तरफ शेफ विकास. बहुत 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 टफ कंपटीशन था उनसे जीतना. सबसे पहले मैं बना रही हूँ गराडू टिक्का. इसके लिए हम इसका मैरिनेड लेंगे. इसमें मैंने अलग अलग कलर की शिमला मिर्च काट के इसमें डाले हैं. इसमें मैंने तेल में थोड़ा सा अजवाइन और बेसन को भूनकर इसमें स्प्रिंकल करा है. उसके अलावा मैंने इसमें मसाले डाले हैं, नमक, हरा धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, गरम मसाला, हंग कर्ड डाली है एंड थोड़ा सा लेमन जूस. गराडू के टिक्के की काफी अलग अलग यम की वैरायटी आती है मार्केट में, जैसे कि जिमीकंद, फिर उसके अलावा स्वीट पोटैटोस, पर्पल यम आता है और जिसको गराडू भी बोलते हैं. तो मैंने क्या किया है, तीनों यम्स को यूज़ करके उसको थोड़ा बॉईल करूँगा. बॉईल करने के बाद उसको स्क्वायर काटूँगा और उसको फिर फ्राई करके उसके बनेंगे जी अच्छे से टिक्के. और एक अलग टच देने के लिए मैं स्वीट पोटैटो और बीटरूट की बास्केट्स बनाने वाला हूँ. सबसे पहले गराडू के छिलके को उतार के इसे 5 से 10 मिनट प्रेशर कुकर दे दीजिए. अब हम इन गराडू में थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे. अच्छा, ये आपने वो तलने के रख दिया गराडू जो है. yes. आपने जब इसमें डाला तो तेल अभी पूरा गर्म नहीं हुआ था. वो बात ये थी कि थोड़े हल्के से तेल पे, जब तक अंदर चले जाए तेल, थोड़ा सा उसको हल्का सा फ्राई करते हैं, फिर उसे पीसेस करके फिर वापस से उसे फ्राई करते. हो गया अब ये? यस शेफ, अब ये हो चुका है. यहाँ पे बास्केट बनाने के लिए मैंने बीटरूट की जूलियन और स्वीट पोटैटो की जूलियन को यहाँ पे मिक्स किया है, साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डाल के. अपनी छोटी सी बास्केट बनाने के लिए मैंने दो
छोटी बास्केट ली है, इसके अंदर डाल के अभी मैं इसको फ्राई करूंगा। मैंने वो गराड़ू के टिक्के का मैरिनेट एक टूथपिक में डाल के इसमें यूं डाल दिया है। ऊपर चेरी टमेटोज, कैप्सिकम, प्याज और इसमें मैं तले हुए गराड़ू को इस तरीके से इसमें डालूंगी। इसे ग्रिल पैन में मैं ग्रिल कर रही हूँ और ये वेजिटेबल्स हमें थोड़ी क्रंची रखनी है, इसे एकदम भी पकाना नहीं है, थोड़ी सी कच्ची रखनी है। करवा चौथ की बहुत सारी कहानियां मैंने सुनी हुई हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब औरतें अपनी पति की सलामती के लिए व्रत रखती थीं, क्योंकि उस समय लड़ाई के लिए जब पति जा रहा है तो पानी वहाँ पर लड़ाई में मिले या नहीं मिले तो घड़े में पानी भर के प्रार्थना की जाती थी और वो जब तक नहीं लौटते थे तब तक वो पानी तक नहीं पीती थी कि उनके पति को पानी मिले, उनके पति की सेफ्टी पूरी तरह से रहे। और ये परंपरा अब चली आ रही है। खैर, जो परंपरा बन गई है उस पे सब लोग चलने लगे हैं और त्याग की भावना किसे अच्छी नहीं लगती। मैं बनाऊंगी भुट्टे की किस, उसे उसमें भुट्टे को ग्रेट करके प्योर घी में उसे भूंजेंगे कम से कम आधा घंटा। उसके बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है आपके पास, जल्दी कीजिए। इंदौर का सराफा बाजार, भुट्टे की कीस और उसके साथ साथ गराड़ू की चाट, और क्या चाहिए। खैर, मिलेगा कैसा वो तो पता चलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं ना जाएं, स्वाद का ये सफर इसी तरह से चलता रहेगा। देखते रहें संजीव कपूर के किचन खिलाड़ी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं संजीव कपूर के किचन खिलाड़ी और यहाँ पर करवा चौथ के अवसर पर दी है हमारे शेफ विकास को घर जाने की, क्योंकि शामत आ जाएगी अगर चांद पहले पहुंच गए तो। आपका तो डिश बन गया ऑलरेडी। अच्छा, डाला क्या क्या आपने इसमें? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप कॉपी कर लेंगे। अच्छा, कॉपी तो वैसे भी मैं करने वाला हूँ क्योंकि आज टाइम नहीं है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। ये जो भुट्टे की कीस बन रही है इसके लिए भुट्टा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, थोड़ा मीठा होगा। मीठा होना चाहिए, अच्छा हाँ। होना चाहिए, खिला खिले दाने होने चाहिए उसके। हाँ, आप किचन में वैसे कभी गए या आज जबरदस्ती आ गए? नहीं, आज तो जबरदस्ती आ गया जी। हाँ। भुट्टे की कीस जो मैंने बनाई, अभी फिनिशिंग करने के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डालूंगा, थोड़ा सा कोकोनट डालूंगा और जो मैंने बहुत अच्छी बास्केट बनाई है उसके अंदर डालूंगा यैम के जो साटे बन रहे हैं, ये टोकरी के अंदर कीस के साथ चेरी ऑन द आइसिंग। मेरी भुट्टे की किस बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बस इसमें एक तड़का बचा हुआ है। हमें थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, हींग, सौंफ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई और उसका तड़का बना के पूरे भुट्टे की किस के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देना है। आखिरी एक मिनट, खाना परोसना शुरू कीजिए। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. काम छोड़ दीजिए। ये तो सच्ची में मुझे नहीं पता। तो हमने सोचा कि आज शेफ को सरप्राइज दिया जाए। भाई, अब हमारे इस किचन में तो आप चांद देख नहीं सकते, लेकिन आपके चांद आपके सामने खड़े हुए, इससे बेहतर फिर किस चांद की जरूरत। सारा जी ने दो बढ़िया सी डिशेस, भुट्टे की कीस और उसके साथ साथ गराड़ू की चाट के उन्होंने टिक्के बनाए हैं।
कुकीज बनाना एक कला है, जो फ्रेश भुट्टा होता है उसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो उसको पका के सुखाना पड़ता है, लेकिन सुखा के ड्राई नहीं करना होता, फिर भी मॉइस्ट रखना होता है। बहुत अच्छे से इसको आपने बनाया है, वेल डन। और जो गराड़ू चाट है उसके आपने टिक्के बनाए हैं, इनोवेटिवली प्रेजेंट किया है, अच्छे से प्रेजेंट हुआ हो तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। दोनों डिशेज में आपको मिलते हैं 10 में से 10 अंक। मतलब 20 में से 20। आप मजाक कर रहे हो क्या? और अब बारी शेफ आपके। आपने जो पहले टोकरी सी बनाई है ना, वो बड़ी खूबसूरत है, उसके बीच में भुट्टे की कीस डाली है, स्वाद अच्छा है, अच्छी मिठास है, मसाले बराबर हैं, और कटोरी की जो क्रिस्पनेस है वो उसकी क्रीमीनेस के साथ में काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ऑल इन ऑल वेरी गुड डिश। थैंक यू सर। आपके कटोरी वाली चाट नई इन्वेंशन, उसमें मिलते हैं आपको 10 में से 10। अब रह गई बात गराड़ू की। गराड़ू टिक्का। और उसमें आपको मिलते हैं 10 में से 10। कांग्रेचुलेशंस टू यू टू भाई। पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों को 10 में से 10 मिले हैं। पहली बार ही ऐसा हुआ है कि यहां पर करवा चौथ मनाया जा रहा है ना। आज पत्नी हार सकती है ना पति हार सकता है, तो जीत हुई है त्याग की, परंपरा की और हमारी सभ्यता की। और विनिंग रेसिपी है सारे जी की भुट्टे की कीस, उसके साथ में गराड़ू के टिक्के। टेस्टी है, डिलिशियस है, खाइए खिलाइए खुश रहिए। गराड़ू चाट बनाने के लिए आपको चाहिए गराड़ू, एक गराड़ू मसाला 2 टीस्पून, लेमन जूस 2 टीस्पून, हरे पीले और लाल शिमला मिर्च 1/2 प्याज, चेरी टमेटोस 5। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गराड़ू के छिलके को उतार के इसे 5 से मिनट प्रेशर कुकर दे दीजिए। उसके बाद इसे निकाल के नमक डालिए और बड़े बड़े पीसेस करके गरम तेल में फ्राई कर दीजिए। फ्राई करने के बाद इसे निकाल के उसके छोटे छोटे पीसेस करिए, उसे फिर से डीप फ्राई करिए, इससे ये क्रिस्प और अच्छे बनेंगे। इसके बाद शिमला मिर्च, प्याज, चेरी टमेटोज को क्यूब्स में काट के इसका मैरिनेट तैयार करिए। मैरिनेट तैयार करने के लिए अजवाइन में भुना हुआ बेसन, नमक, लाल मिर्च, इसे अच्छे से मैरिनेट करके 1/2 घंटे के लिए रख दीजिए। अब इस मैरिनेट को निकाल के बहुत सारे ऐसे टूथपिक्स में डाल के इसे कंप्लीट करिए। उसके बाद इसमें डालिए थोड़ा सा गराड़ू मसाला, उसके ऊपर लेमन जूस, भुट्टे की किस। बनाने के लिए सबसे पहले भुट्टे को अच्छे से किस कर दीजिए। उसके बाद एक पैन में शुद्ध घी लीजिए, उसमें भुट्टे की किस को डाल दीजिए, उसे कम से कम 20 मिनट तक लगातार घुमाइए। उसे घुमाने के बाद इसमें डालिए थोड़ा सा दूध, धीरे धीरे करके उस दूध को घुमाते जाइए। उसके बाद तड़के के लिए हमें चाहिए शुद्ध घी, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, हींग, सौंफ, थोड़ा सा जीरा। इसे अच्छे से भूनकर भुट्टे की किस में डाल दीजिए। डालते से ही भुट्टे की किस के ढक्कन को लगा दीजिए ताकि उसकी खुशबू ना उड़े। 2 मिनट के बाद इसे सर्व कीजिए।
तो ये थी मेरी विनिंग रेसिपी, खाइए खिलाइए और खुश रहिए। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।